हेलो फ्रेंड्स, मालवा रेसिपीज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, और जैसे कि अभी सीजन चल रहा है वही रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। और आज हम बनाने वाले हैं सहजन की सब्जी, और सहजन का जो नाम है बहुत सारी जगह पे मुनगा फली के नाम से जाना जाता है, बहुत जगह पे सूलजना फली के नाम से जाना जाता है, और सहजन भी इसे बोला जाता है। तो आप फोटो देख कर समझ जाइएगा, ये जो सहजन की सब्जी है वैसे तो बहुत ही प्रकार की बनती है, लेकिन मैं आज आपके साथ करूंगी सहजन और आलू की सब्जी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चे बड़े हर किसी को बहुत ज्यादा पसंद आती है। तो चलिए इसके लिए हम सामग्री देख लेते हैं। सामग्री में मैंने लिया है ये आलू है, आलू मैंने लिए हैं, आलू और सहजन हम बनाने वाले हैं। तो मैंने एक कटोरी आलू लिए हैं और इस तरीके के पीसेस काट लिए ताकि ये जल्दी से गल जाए। ये देखिए, मैंने इन्हें छील कर वॉश कर लिया है और इनके पीसेस कर लिए हैं। और ये है सहजन, इनके मैंने इस तरीके के पीसेस कर लिए हैं। ये सहजन जो है मैंने दो काढ़ी ली थी और ये एक कटोरी है, तो ये है। और यहाँ पे मैंने एक बड़ी साइज़ का टमाटर लिया है, आधी कटोरी कुकिंग ऑयल लिया है, कुछ धनिए की पत्ती ली है, और मसाले में मैंने आधी चम्मच जीरा लिया है, आधी चम्मच खड़ा धनिया है, आधी चम्मच राई है, और अदरक लहसुन का पेस्ट है, और मैंने यहाँ पर लिया है मिर्ची का पाउडर। मिर्ची पाउडर मैंने लिया है एक चम्मच, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है इसलिए मैंने एक चम्मच लिया है। आधी चम्मच गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और एक चम्मच लिया है नमक। तो ये तो हो गई हमारी सामग्री, अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गैस ऑन कर दिया है, यहाँ पे हम कुकिंग ऑयल इसमें डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हम डालेंगे इसमें राई धनिया और जीरा डालेंगे। राई जीरा चटकने लगा है, यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ब्राउन हो चुका है, यहाँ पे हम डालेंगे आलू। सेजन डालेंगे, मिक्स करेंगे, और ये जो हमारे मसाले हैं इन्हें भी हम डालेंगे। हमने सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं और इसे हम अच्छे से चला देंगे। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है, और यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा गरम पानी, ताकि ये जो हमने मसाले डाले हैं ये जले ना और ये हमारी जो सब्जी है अच्छे से पक जाए। टमाटर को हमें अभी से ऐड नहीं करना है, हम बाद में ऐड करेंगे। गरम पानी हम डाल देते हैं। देखिए, हमने बहुत ज़्यादा गरम पानी नहीं डालना है, थोड़ा ही डालेंगे, बाद में भी हम इसमें डाल सकते हैं। एक साथ हम अगर ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो सब्जी हमारी अच्छे से पकती नहीं है, तो हमने यहाँ पर थोड़ा पानी डालेंगे और इसे पकने देंगे। लो फ्लेम पर इसे ढककर पकाएंगे, 12 से 15 मिनट इसे पकने में लगेगी। मैंने इसे 12 मिनट तक पकाया है और देख सकते हैं ये ऑयल छोड़ने लगी है, और जो सब्जी है मैंने इसे बीच बीच में चला दिया था और ये पक चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आलू हमारा दब रहा है और ये सहजन भी इस तरीके से दब रही है। ये देखिए, ये सहजन भी हमारी लगभग पक चुकी है। अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर को पहले से डाल देते हैं तो सहजन अच्छे से पकती नहीं है, तो यहाँ पे हम टमाटर लास्ट में डालते हैं, क्योंकि टमाटर तो बहुत जल्दी वैसे भी गल जाते हैं। तो जब तक हमारे टमाटर गलेंगे तब तक हम इसे और पकाएंगे। ये देखिए, हमारे टमाटर भी पक चुके हैं, लगभग मैंने इसे 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे पकाया है। कुल मिलाकर इसमें 18 से 20 मिनट लगती है सब्जी को पकने में, क्योंकि आलू तो गल जाते हैं, ये जो सहजन है ये जल्दी से नहीं गलती है। तो हमें 15 से 20 मिनट तक इसे 18 से 20 मिनट तक पकाना है, और देखेंगे काफ़ी अच्छी तरी आ गई है इसमें। और ये देख सकते हैं आप, इसमें पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें पानी ऐड किया था लगभग 1 गिलास के लगभग, और ये 2 लोगों के लिए इतनी सब्जी पर्याप्त होती है। तो अगर आप इसमें थोड़ी पतली खाना चाहते हैं तो इसमें पानी और भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब्जी हमारी पक चुकी है, आप देख सकते हैं इस तरीके से अलग अलग होने लगी है, यानी कि बहुत अच्छे से पक चुकी है। और अब हम इसमें डालेंगे कुछ धनिए की पत्ती और गैस को कर देंगे बंद। तो फाइनली हमारी
सहजन आलू की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये। आप एक बार जरूर ट्राई करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को सीखने को मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज के साथ। हैप्पी कुकिंग।